अमरपाटन में वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने रहवासियों के साथ नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। रहवासियों ने नगर परिषद सीएमओ को पानी की समस्या व गंदगी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पानी और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर अमरपाटन में वार्ड क्रमांक 5 के रहवासी अब सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को लोगों ने पानी और गंदगी की समस्या को लेकर नगर परिषद का घेराव किया। इस दौरान वार्ड के पार्षद भी मौजूद रहे। लोगों ने क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से सीएमओ को अवगत कराया और उसके समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद सीएमओ ने जल्द ही सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। पानी की समस्या के लिए ज्ञापन सौंपा है। प्रत्येक वर्ष नगर परिषद अमरपाटन क्षेत्र में जो भी बोर हैं लगभग ड्राई हो जाते हैं और पानी की विकराल समस्या होती है। उसी के संबंध में आज वार्डवासी और पार्षद महोदय ज्ञापन देने आए थे। अभी एक दिन छोड़कर एक दिन उनको पानी प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही उनको आश्वासन दिया गया है कि जिस दिन पानी नहीं जाएगा उस दिन टैंकर से पानी भिजवाएंगे और जल्द ही उस वार्ड में एक बोर कराने की व्यवस्था की जाएगी। पहला हमारा गंभीर समस्या का मुद्दा है पेयजल की समस्या। पेयजल अमरपाटन में बहुत गंभीर समस्या है और समस्या के कारण खासतौर वार्ड क्रमांक 5 में, वार्ड क्रमांक 5 के निवासीगण दूर दूर एक किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं और कई बार हमारे साथ जो वार्ड के सब लोग हैं नगर पालिका में सीनो मैडम जी को, अध्यक्ष महोदय जी को कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई भी निराकरण आज तक नहीं हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।